और या आपको यहाँ पर पेन है, या आपको यहाँ पर पेन है, या बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको पेन है, आप इस तरीके से अपने थंब के ऊपर या इस फिंगर के ऊपर, फोर हमारे जो चारों फिंगर्स है इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट करके इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हो। और ट्रीटमेंट देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं है, ये पत्तियां हैं, आपके पास वायर है, प्लास्टिक की ट्यूब है, या फिर आपके पास बार मैग्नेट अगर है तो बार मैग्नेट से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये तो हमारा सुजोक के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। अगर किसी को सुजोक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स है, आजकल बिस्लरी की बॉटलें और दूसरी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटलें हमारे को मिल जाती है, आप उसका बेस काटिए। बेस काटने के बाद में फर्ज कीजिए कि आपको इस जगह पे पेन हो रहा है। अब हमको जब मैंने बताया आपको हाफ करना है तो यहां से हाफ किए, या इसके बीच में अगर आपको यहां पे कहीं पे भी पेन हो रहा है, चाहे वो गैस का पेन हो या एक्स वाई जेड कोई भी पेन हो, आप यहां पर प्लास्टिक की बॉटल, ये बॉटल आप ऐसा रख के उसका जो ढक्कन है, जो उसका अपने कैप है उसको ऊपर रखिए, लेकिन आपको कैप निकालना होगा और जो उसका बेस है उसको आप काटिए, अलग कर दीजिए, और वो रखकर आप लोग खुद ट्राई कर लो आपको कितना फर्क पड़ता है। इसमें कहीं पे भी पेन है आप चाहे तो इस लाइन पे रख सकते हो, या ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग जोन कहते हैं, ये जो ब्लॉक को, ये जोन के ऊपर भी आप प्लास्टिक की बॉटल रखिए। शायटिका के पेन के बारे में फिर मैं बोलता हूं कि एक पेशेंट को जो पेन था यहां से लेके यहां तक मैंने उसको 5 बॉटल बांधने को कहा, छोटी छोटी, यहां से लेके यहां तक, कहां पे पेन है, यहां पे, और बेस से ही हमारा शुरू हो रहा है। मैंने कहा कि तुम यहां से उसको प्लास्टिक की बॉटल बांधो और उसको आराम हो गया। आपको ट्राई करना है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कहीं पे भी आपका पेन हो, चाहे बॉडी पार्ट में हो, हाथ पे हो, कहीं पे भी उसको, सिर्फ अगर हाथ पे भी है, आपके हैंड पे भी है, तो इसको भी आप 4 हिस्सों में डिवाइड करके, बॉडी का पार्ट हमारा यहां से शुरू होता है तो एनर्जी यहां से जा रही है इधर। आप पहले का बॉटल यूं रखो, अगर आपको आराम होता है इसका जो अपने टैप है ऊपर की तरफ है ढक्कन, अगर नहीं होता आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो अगर आपको आराम नहीं हो रहा है। कमर के दर्द में भी आपको बताया कि आपकी जो बैक, सपोज ये बॉडी को बैक पकड़िए आप, हाँ इसको मैं हटा देता हूं, ये बैक हो गई आपकी, आपको अगर यहां पर दर्द है यहां पर भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसको हम लोग लोकल अप्रोच बोलते हैं कि आप इधर बॉटल रखिए बेस काट के। अब आप बोले बेस काटने का क्या है, एनर्जी को जाने के लिए रास्ता चाहिए दोनों तरफ से, ओपन चाहिए, और ये जो बॉटलें रहती है या कोई भी हॉलो जो हमारी चीज है वो ट्यूब फॉर्म में और स्पाइरल फॉर्म में बनती है, और एनर्जी जो सुजोक थेरेपी के हिसाब से एनर्जी स्पाइरल फॉर्म में फास्ट ट्रेवल करती है, सीधा जाने के बजाय अगर हम लोग स्पाइरल फॉर्म में, और जब उसको काट देते तो एनर्जी को जाने के लिए वहां पर रास्ता हो गया। और ये सब प्रैक्टिकली हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, उसके बाद में आपको बता दें। अब आपके पास अगर प्लास्टिक की बॉटल नहीं है तो हमारे को एक और सिस्टम दिमाग में आया, कहीं पढ़ा नहीं था ये पेन, मैंने इससे भी काम लिया। बॉटल कौन ढूंढने जाएगा, और इससे भी मुझे आराम हुआ, मेरे पेशेंट को, मुझे नहीं हमारे पेशेंट को। मैं प्लास्टिक ढूंढ रहा था और हमारी एक वन ऑफ द स्टूडेंट ने हमको सजेस्ट किया था कि पेन को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्होंने बेटे बेटे सही कहा, इट इज नॉट रिटन इन द बुक्स, और कहीं पे भी कोई भी आइडिया नहीं। उन्होंने बस, हमारे साथ भी थे, मुमरे साथ भी थे उस दिन साथ में, उन्होंने कहा ये पेन को, और इसको इस्तेमाल करके मैंने हाथ और पैर के दोनों के पेन दूर किए। अब इसके हाथ पे जिधर लोकल में उसको दर्द था इस तरफ, उसको सिर्फ यूं रख के, और आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते, फर्ज करो इस तरीके से रखने पे हमारे को नहीं आराम हो रहा है, आप उसको डायरेक्शन चेंज कीजिए। और अगर इस तरीके से रखने में आपको अगर 30% या 20% आराम होता है तो इसमें आपके लिए ऑप्शन है, इसको इस तरीके से या इस तरीके से डायगोनल, थोड़ा एंगल चेंज करके 45 एंगल, 30, 45,
इस तरीके से भी आप ये रख कर आप ट्रीटमेंट को अपना फास्ट कर सकते, ये बैक पेन के लिए भी आप इस तरीके से रख, हाँ बैक पेन पे भी आप यूं रख सकते हो, यूं रख सकते हो, यूं रख सकते हो, या 2 से 5 मिनट लगा के सो नहीं जाना, वरना हो सकता है सुबह में उठने की तकलीफ हो जाएगी आपको। हमारे एक कलीग है, एनर्जी एक्सेसिव हो गई तो आपको तकलीफ हो जाएगी, दूसरी इट इज जस्ट लाइक प्रूविंग हो जाएगी आपको नहीं है तकलीफ, और तकलीफ बढ़ जाएगी, एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, आप एक्सेसिव हो जाएगी। हमारे एक दोस्त है, उनको नमनेस थी हाथ उंगलियों में, प्रोफेसर पार्क साहब जब हम लोगों को ये ट्रीटमेंट बता रहे थे तो उन्होंने उसको ये वायर उसके फिंगर्स पे इधर लोकल में लगा दिया। इन्होंने कहा शाम में 6 बजे के करीब हमारा ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने कहा चलो अब कम तो हुआ है, देखता हूं मैं लगा के कि अगर रात भर रहने से कोई उसका इफेक्ट आएगा क्या, साइड इफेक्ट। सुबह में जब वो उठे तो उनकी 5 फिंगर जाम हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुजोक ये अगर हमारा हैंड है और सर ने जो यहां पर लगाया था, यानी उनको इस तरफ तकलीफ थी फिंगर में, तो वो एक के बजाय पूरी फिंगर को, यानी पूरी पाम को एनर्जी एक्सेस हो गई, उनकी फिंगर जाम हो गई। तो इसका मतलब है अगर आप ज्यादा ट्रीटमेंट करोगे तो आपको उसके रिवर्स इफेक्ट भी मिलेंगे, जिसको साइड इफेक्ट बोल सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है, एस्ट्रो नहीं मिलेगी, तो आप इसको काट के भी यूज कर सकते हो। और आजकल सर दुखना, कमर का दुखना और घुटनों का दुखना बिल्कुल आम है। अब सर के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें एनर्जी जो हमारी फ्लो होती है, ये एनर्जी ये फ्लो हो रही है एनर्जी, आपको जो भी ट्रीटमेंट देना है, अगर आप ये प्लास्टिक पेन का अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको ये बेस है उसका यूं लगाना है, आप यूं नहीं लगाएंगे, फर्स्ट एनर्जी यहां से आ रही है तो आपको जो उसको टॉनिफिकेशन करना है तो आप इस तरीके से करोगे, चाहे वायर है। अब वायर में तो यहां पर हमारे को इसमें तो दिक्कत आ रहा है, वायर को हम लोगों को समझ में नहीं आता कि वायर यहां से बना है वहां से बना है, तो उसके लिए सिंपल है, आप वायर लगाओ यूं, सपोज मैंने यहां लगाया है और मुझे अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, विद इन 2 मिनट्स मुझे उसको रिवर्स करना है वायर को। और अगर मुझे यहां आराम आया तो यहां आप उसको लाल कलर या जो भी कलर है आप कलर कर लो, इट्स मीन ये आपको ऊपर इस तरीके से ट्रीटमेंट देना है। 2 घंटे में 5 से 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, वरना 2 मिनट के अंदर ही रिजल्ट आते। जब मैं खत्म हो जाएगा ये जाने के वक्त में, जिनको तकलीफ एक्सपीरियंस करना है करके देख लो। हम लोगों ने 15-15 साल की तकलीफें प्रोफेसर पार्क साहब को 5 से 7 मिनट में क्लियर करते हुए देखा है अपनी आंखों से। आई एम द विटनेस फॉर दैट, आई हैव वीडियो फॉर दैट, मेरे पास वीडियो भी है उसका। उसमें हम लोग प्रोग्राम में थे और सर ने बहुत ज्यादा 2 से लेकर 7 मिनट के अंदर घुटने के दर्द, रिस्ट के पेन, कुछ लोगों की नमनेस थी और बैक पेन थे, उनको उन्होंने सिर्फ वायर और दूसरा ये जो आपको प्लांट दिख रहे हैं, ये प्लांट्स के छोटे छोटे पीसेस एक ब्रांचेस उन्होंने रख कर उसका इलाज किया। अब आप बताओ ये छोटा सा ब्रांच है, ये हम लोग इसको अगर हम लोग अपनी बॉडी इस तरीके से कंसीडर करते हैं तो यहां पर कितनी जरूरत पड़ेगी हमको, कोई ये पेन तो नहीं लगा सकते हम लोग। तो उसके लिए हमें या तो स्टार मैग्नेट है हमारे पास, या इसका हाफ से भी कम लेना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को बॉडी का बताया, सुजोक में ये हेड, नेक, चेस्ट, और इसके बाद में इसको अगर हम लोग बॉलिंग पिन सिस्टम जो एक बोलते हैं अगर उसको पकड़ते तो ये पूरा हमारा एब्डोमेन है, फ्रंट है, बिलो द नेक, ये नेक है, ये हेड है, ये इसी फॉर्म में मैंने अभी आप लोगों को बताया था। आगे
अगर आपके हाथ में तकलीफ है